ये वो पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चेक करो, यहाँ इसकी जड़ है और यहाँ से लेकर ये देखो कितना लंबा पेड़ है, सामने गंगा के अंदर तक जा रहा है पेड़। रहा होगा मौसम कितना खराब हो रखा है, बादल है, काले काले बादल छाए हुए हैं पहाड़ों में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल, कैसे आप लोग। तो गाइस, आज मैं खड़ा हूँ गंगा के किनारे और ये गंगा है अपनी हरिद्वार के अंदर, जो नील धारा है, बहुत बड़ी गंगा है हमारे हरिद्वार के अंदर ये। और आपको पता ही है बहुत टाइम से बाढ़ वगैरह आ रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सब जगह ही प्रॉब्लम हो रही है। और आप देख सकते हैं ये पानी पहले ना यहाँ तक था, ये देख लो रेत, ये रेत आई है, ये वहाँ तक टच कर रहा था पानी, ठीक है, अब जाके यहाँ पर पहुँचा है। और अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ पानी आता नहीं है नॉर्मल डेज में ना, कभी भी यहाँ पानी इस जगह कभी पानी नहीं होता, पानी जब भी होता है उस साइड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी चल रहा है, वही चीज़ मैं देखने आया हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ये चेक करो सामने बादल कितने प्यारे आ रहे हैं, पूरे पूरे पहाड़ ढके हुए हैं भाई। तो गाइस ये चेक करें कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा मजा आता है यहाँ पे आता हूँ, जब भी मैं आता हूँ अपना बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग आती है, जैसे कि अपना गोवा में होते हैं गंगा किनारे होते हैं, वैसा ही यहाँ पे फीलिंग आती है हमारे हरिद्वार में। तो ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे जाके एक पॉइंट और है जहाँ पर लोग आते हैं घूमने का, थोड़ा अच्छा है, अब देखते हैं वहाँ पे कैसी स्थिति है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया है, अब देखते हैं आगे चलते हैं क्या मिलने वाला है आगे जाकर, वही देखने चलते हैं। और चलिए तो गाइज फाइनली उस जगह से तो हम निकल चुके हैं, अब आगे चलते हैं देखते हैं कैसा रास्ता है आगे का, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं, पर अब क्या है बरसात की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। और आप देख सकते हैं साइड में कितना प्यारा व्यू आ रहा है और यहाँ पानी भरा हुआ है हर जगह। और यहाँ पे आंटी है, बाबा लोग क्या कर रहे हैं, ये बाबा वगैरह भी घूम रहे हैं यहाँ पे, खोजा आ रहा है भाई बाबा का, तो यही चीज़ देखने के लिए आए हैं। और थोड़ा पानी में थोड़ा सा बाइक चलने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मट्टी वट्टी खिसकी हुई है ना। ओ माय गॉड, ओ भाई देखो कितने बड़े बड़े पेड़ आए हुए हैं भाई, बहुत ही खतरनाक सीन है भाई, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, देखते आगे जाकर क्या दिखने को मिलने वाला है। और ये चले हम वहाँ पर, इतनी दूर सामने भाई लड़के लकड़ियाँ चुग रहे हैं पानी को, गंगा को क्रॉस करके गए हैं वो पता क्या करते हैं, अपने पास ना ट्यूब रखते हैं, वो नहीं होती ट्यूब जो ट्रक की ट्यूब होती है, उसे लगा के रखते हैं अपने पास, तो उसी से ही वो गंगा क्रॉस करते हैं, चाहे कितना भी पानी आ रहा हो, ये डरते नहीं बंदे भाई, बहुत डरते नहीं है, ऐसे ही करते हैं। ये देखो लकड़ियाँ चुग रहे हैं, रेड़े में भर के ले जा रहे हैं भाई, इनके काम आ जाएगी किसी ना किसी चीज़ में। तो आप देख सकते हो ऐसे काम चलता है यहाँ पर, बढ़िया है। और ये देखो पानी वहाँ पर कितना कम था और यहाँ पानी देखो कितना ऊपर तक है, यहाँ ये चेक करो गाइस यहाँ तक पानी है, ये पानी ही बहुत ऊपर तक आ गया था, मतलब कि ये पूरी जगह ना, पूरी जगह पूरी पानी से ही भरी हुई थी। ओ माय गॉड गाइस, आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ आए हुए हैं, और ये रास्ता था देखो, रास्ता भी टूट गया इस बाहर, तो देखो इतने बड़े बड़े पेड़ बहकर आए हैं पानी में, ये सब बहकर आए हैं पानी में, वो भाई खतरनाक सीन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है जगह। और वो देखो कितने दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ पड़े हैं, ये रास्ता भी था देखो, ये रोड थी, ये जाने चलने के लिए रोड बनाई हुई थी, थोड़ी लोकल तरीके से बना रखी थी, अभी ये भी टूट गई, ये पहले रोड थी, देखो वहाँ सामने रोड बनी हुई है। और ये चेक करो गाइस इतनी रेत आई है, ये रेत जो आई है इसी पानी की आई है, सोचो रेत इतनी ऊपर है तो पानी कितना ऊपर होगा, ये खुद चेक कर सकते हो आप, खतरनाक सीन है। अब आगे चलते हैं, आगे ना बहुत लोग घूमने आते हैं, थोड़ा अच्छा लोकेशन है हमारे हरिद्वार के अंदर ना, इसे हम एल पॉइंट बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है जगह। अब देखते हैं क्या सीन देखने को मिलने वाला है। ओ भाई यहाँ तो भाई लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ पड़ी हैं, सोचो कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत तगड़ा वाला सीन हुआ है यहाँ पे, बहुत तगड़ा सीन हुआ है, खतरनाक। ये देखो कितनी बड़ी लकड़ी आई है बहकर, यहाँ तो बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है भाई। तो गाइस फाइनली मैं उस लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ जहाँ की मैं बात कर रहा था, पर यहाँ पर आने के बाद जो मुझे देखने को मिला है वो बहुत ही खतरनाक सीन है। आप देखो ये इतने बड़े बड़े पत्थर है ना, इनके अंदर देखो कितना गैप हो चुका है, मतलब पानी इतना तेज था कि यहाँ से जो मलबा वगैरह था वो सब गायब हो गया और इसमें लकड़ियाँ वगैरह भर चुकी हैं। और सोचो कितना तेज पानी होगा कि इतना गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं इसके अंदर, और ये गड्ढे वहाँ पे भी हो गए हैं, वहाँ पे सामने देखो पूरे में गड्ढे हो गए, तो सोचो बहुत ही खतरनाक सीन था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक है, एक ना बहुत बड़ा पेड़ बहकर आया है, और वो कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये वो पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चेक करो, यहाँ इसकी जड़ है और यहाँ से लेकर ये देखो कितना लंबा पेड़ है, सामने गंगा के अंदर तक जा रहा है पेड़, ये बहकर आया, सोचो कितना बड़ा पेड़ बहकर आया। और ऐसे ही बहुत पेड़ बहकर आए हैं, और लोकेशन चेक करो कितनी प्यारी लग रही है, पहाड़ों के अंदर बादल आए हुए हैं, वहाँ पर हमारी मनसा देवी है और वहाँ पर हमारी चंडी देवी माता है,
और गाइज अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि हमारे घूमने के लिए जगह बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे लोग आते भी रहते हैं घूमने के लिए, वो चीज़ है। और अभी दिखाते हैं आपको, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लड़के वगैरह आते हैं, फ़ोटोशूट वगैरह होते हैं, वो चेक करो गाइज, वहाँ पर लड़कियाँ वगैरह फ़ोटोशूट वगैरह करा रही हैं। ला 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 ला। तो गाइज हम निकल चुके हैं, ना कोई मंजिल है ना कोई रास्ता है, बस जब हम जाते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ बन जाता है, रास्ते भी अपने आप बन जाते हैं और मंजिल भी अपने आप बन जाती है। और मंजिल आपको दिखाएं तो कुछ ऐसी मंजिल देखने को मिलने वाली है आपको, ये मंजिल है। और पानी दिखाता हूँ आपको, भी नज़दीक से दिखाऊंगा कि पानी किस तरीके से चल रहा है, किस तरह भर के चल रहा है। थोड़ी देर रुके तो गाइज आप देख सकते हैं नदी कितनी तेज चल रही है, इसको हम नील धारा बोलते हैं। अपने हरिद्वार की बहुत बड़ी नदी है, गंगा नदी है, जो कि ऊपर से आती है हमारे कैलाश पर्वत से होती है आ रही है। और ये चेक करो सामने बादल कितने काले काले हैं और घने हैं, और मतलब कि सामने जो मनसा देवी का मंदिर है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब बारिश भी होने वाली है, क्योंकि मौसम यहाँ पर दिन ब दिन बिगड़ता ही रहता है हमारे उत्तराखंड के अंदर, यही चीज़ होती है। वो चेक करो सारे, वहाँ पे भी पहाड़ है तो पूरा ढका हुआ है, उधर पहाड़ है वो भी ढका हुआ है। ये देखो बादल कितने नीचे आए हुए हैं, सोचो यार, आप सोच नहीं सकते कितना खतरनाक सीन बना हुआ है यहाँ पे ना। बहुत ही प्यारा व्यू है, एक चीज़ है, पर यहाँ से देखने में बहुत सुंदर लगता है, देखने में बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। वो देख सकते हो आप भाई, नीचे बैठ कर वीडियो बना रहा है, ये देखो कैसे बना रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन गिर जाए, बना तो रहा है, पता चला अगर हल्की सी भी गलती हुई ना भाई की तो फ़ोन नीचे है, इतना भी आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत खतरे की भी जगह है ना, खतरा भी है यहाँ पर, बहुत खतरा है, अगर बंदा एक बार गिर जाए तो बचना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पानी है टकराता हो जाएगा यहाँ से, और बंदा कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी ना। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर कैसा नज़ारा है और क्या क्या हुआ है इस बार बारिश के बाद। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ हुआ है उत्तराखंड के अंदर, तो बहुत कुछ हुआ है, पर ये तो यह है कि मैं बता रहा हूँ कि बारिश आने के बाद क्या सीन हुआ, गंगा तेज आने के बाद क्या सीन हुआ। तो गाइस ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।